हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटनी की रेसिपी, मीठी चटनी और तीखी चटनी। स्नैक के साथ खाने के लिए हम हरी चटनी बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने 100 ग्राम हरा धनिया लिए है, 100 ग्राम पुदीना लिए है, 50 ग्राम कैरी है और 10 हरी मिर्च है, 2 नींबू का रस है, 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीजें अब हम मिक्सर में पीस लेते हैं। ये देखिए, ग्रीन चटनी तैयार है। आप इसको समोसा या पकोड़ा या भजी, घर में आप कोई भी स्नैक बनाएंगे तो आप इसको टेस्ट करें, आपको बहुत पसंद आएगा। मीठी चटनी बनाने के लिए हमने लिए है 100 ग्राम खजूर, 100 ग्राम इमली, 50 ग्राम गुड़। खजूर को पानी में 1 घंटा भिगा के रखना है। इमली को हम अच्छे से धोकर इमली को भी 1 घंटा पानी में भिगा के रखेंगे। एक पैन में हमने 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिए है। उसमें हम हींग डालेंगे 1/2 टीस्पून, इसमें हम पल्स डालेंगे सारे। ये
मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे जीरा और सौंफ का पाउडर लिया हुआ है, दोनों मिक्स है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टेबल स्पून है नमक, 1/2 टीस्पून है। इसे हम सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पका लेते हैं साथ ही में। ये सारे मसालों से इसमें अच्छे से चटनी की खुशबू आएगी। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है। देखिए अभी ये तैयार होने लगा है। अभी इसमें इसे हम इतना पकाएंगे कि एक तार हो जाए। ये देखिए ऐसे हम थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अभी से हम ये देखिए और चूल्हा बंद कर इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए दोनों चटनी तैयार है, तीखी चटनी और मीठी चटनी। अब इसको दही वड़े है, कचौरी है, पानी पूरी है और कोई भी स्नैक के साथ आप खा सकते हैं। दोनों की ये दोनों चटनी रहते हुए आपको और कोई चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आप एक घर में ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए।